वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शारदा चौहान। आप सभी को शारदा चौहान का प्यार भरा नमस्कार। तो एंड वेलकम बैक। आज भी मैंने अजियो से काफी अच्छे कुर्ते सेट परचेस किए हैं, काफी अच्छे कलर है, काफी अच्छे ऑफर्स में परचेस किए थे। तो अजियो पे आपको 15 डेज का रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी मिलता है। तो आपको पसंद नहीं आया, क्वालिटी पसंद नहीं आया, तो आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो। तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। और सभी के ट्राउन में साइड में दूंगी और लोग फोटो भी दूंगे साथ में। काफी अच्छे कलर है, आने वाले नवरात्रि के लिए काफी अच्छे कलर्स भी है और काफी अच्छे ब्राइट कलर है, काफी अच्छे लुक दे रहे थे सभी कलर जो मैंने परचेस किया था। टोटल आपको इस वीडियो में आपको 3 कुर्ते सेट में दिखाऊंगी। वी दुपट्टे के साथ है और एक है जैकेट के साथ है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अनारकली की तरफ। काफी अच्छा अनारकली है, बहुत अच्छा लेंथ है, व्हाइट कलर में है तो काफी अच्छा लुक देता है। आप इसे किसी और के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं और मीन्स अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ऐसे तो अनारकली सेट है तो इसका तो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, रेड के साथ में है। तो पहले मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। बांधनी का दुपट्टा है, कौशल के ब्रांड से है, मेरे साइज इसमें XL है। तो इस तरह से देखिए इसका दुपट्टा है, सिल्क में आपको चारों बगल से इस तरह से लेस मिल रहा है अटैच किया हुआ। तो आप इसका फैब्रिक आपको सिल्क में मिलेगा। तो काफी अच्छा लेंथ है, काफी अच्छा लुक दिख रहा था। सभी के ट्राइवर में साइड में दे रही हूँ और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो और साथ में इसका मैं प्राइस भी स्क्रीन पे शेयर करती जाऊंगी, अब चेक कर लेना, जल्दी से परचेस कर लेना। जो सभी आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं क्योंकि आने वाला फेस्टिवल, बहुत सारे आ रहे फेस्टिवल। तो अगर पहले से सेल में आप परचेस करके रखते हो तो काफी अच्छे प्राइस में आपको मिल सकते हैं। अगर फेस्टिवल आने आने लगे तब आप परचेस करोगे तो काफी हाई प्राइस में आपको मिल सकता है। तो इसलिए बोल रही हूँ अभी से ही परचेस करके रख लेना आने वाले फेस्टिवल के लिए। सिर्फ आने वाले फेस्टिवल नवरात्रि है और दिवाली है और गणपति आ रहा है। तो चलिए दुपट्टे की बात कर रहे थे मैं, तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आपको दुपट्टा मैंने दिखा दिया है, दुपट्टा आपको सिल्क में मिलेगा। तो काफी अच्छा लुक आ रहा था इसका बांधनी दुपट्टे का, काफी अच्छा लुक है, बहुत अच्छा दिखता है बांधनी दुपट्टा। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका पैंट है व्हाइट कलर में है। तो इस तरह से आपको पैंट मिलेगा, ये देखिए व्हाइट कलर में है। इसका फैब्रिक आपको रेयॉन मिलेगा, दोनों बगल से आपको इलास्टिक मिलेगा, बैक से भी फ्रंट से भी। तो काफी अच्छा रहता है फ्रंट बैक से, फ्रंट और बैक इलास्टिक। तो काफी अच्छा इसका लेंथ भी है, ये देखिए मीडियम प्लाजो है, इस तरह से इतना घेरा मिलेगा। और आपको गोटा पट्टी का लेस अटैच किया हुआ मिलेगा इस तरह से। और थाई एरिया में कोई इशू नहीं आएगा, देखिए थाई एरिया में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है इसका। मींस इसका ब्रांड आप चेकआउट करेगा तो काफ़ी मींस एक अनारकली ड्रेस हो या कुर्ता सेट हो तो मिनिमम आई थिंक 1500 के अंदर ही आपको सब मिलेगा। तो ये वाला कुर्ता सेट आई थिंक 1300 का है, 1300 के 10-20 आज के आसपास होगा। मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी सभी के प्राइस। तो ये काफ़ी अच्छा है, वाइट कलर में है, बेसिक है, ऐसा एक सभी के पास वाइट हो ब्लैक हो इस तरह का बेसिक कुर्ता सेट या फिर अनारकली रहना ही चाहिए, बहुत अच्छा दिखता है वाइट कलर में। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, वाइट कलर का है इसका अनारकली ड्रेस, विद गोटा पट्टी लेस अटैच किया हुआ है सभी जगह पे, फैब्रिक इसका रेयॉन मिलेगा। एक मिनट मैं दिखा देती हूँ आपको व्हाइट कलर में, ये देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ मैं ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए इस जगह इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन से आपको देख सकते हो इसका नेक, देख सकते हो आप किस तरह से नेक दिया हुआ है, डिज़ाइन बनाया हुआ है। मैं सीधा करके भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से है नेक, देखिए इस तरह से नेक दिया गया है। एक नहीं पूरा कोटा पट्टी का लेस अटैच किया हुआ है, कट नहीं है सिर्फ लेस अटैच किया हुआ है। 3/4 स्लीव मिलेगा इस तरह से आपको, यहाँ भी कोटा पट्टी का लेस लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोटा पट्टी का पर्स अटैच किया हुआ है। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है लेकिन इसमें आपको इनर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वाइट है तो ट्रांसपेरेंट तो होता ही है। तो नेक्स्ट मैं आपको वेस्ट लाइन के नीचे दिखा देती हूँ, जो यहाँ पर पूरा कोटा पट्टी का लेस अटैच किया हुआ है, ये देखिए यहाँ से भी गोटा पट्टी का लेस अटैच किया हुआ है, बैक से भी पूरा लगा हुआ है और इसके बॉर्डर पर भी आपको गोटा पट्टी का लेस अटैच किया हुआ मिलेगा रेड कलर में। पूरा लेस से ही इसका डिज़ाइन किया गया है,
जैसे मैंने और भी वीडियो अपने चैनल पे शेयर किया है एक एस ब्रांड का, सभी कुर्ता सेट आई थिंक मैंने 1500 के आसपास या 2500 के आसपास मैंने शेयर किया था। उसमें भी सभी कुर्ता नहीं, कुर्ता और शरारा है, तो उसमें भी सभी मीन्स फैब्रिक है, जो फैब्रिक बस सिर्फ उस पर डिज़ाइन सिर्फ लेस से ही किया गया है, तो सेम इसी तरह इस पर भी पूरा लेस से ही डिज़ाइन किया हुआ है। बाकी प्लेन प्लेन मिल रहा है आपको, इस तरह से व्हाइट कलर का फैब्रिक है, लेकिन उस पर आपको फ्लोरल डिज़ाइन मिलेगा। तो और भी मैंने चेक किया है जो कौशल ब्रांड का के करके है, तो उस पर भी आई थिंक उस पर भी सेम मीन्स प्लेन कुर्ती है, और उस पर आप मोटा पट्टी का लेस अटैच किया हुआ है और दुपट्टा बांधने का दिया हुआ है, तो भी काफ़ी अच्छा दिखा था, येलो कलर में है। आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी वो कलर आपसे मैं। तो इस तरह से है देखिए पूरा, तो ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। सभी के ट्राई ऑन में साइड में दे रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और प्राइस स्क्रीन पे शेयर करूंगी। तो ये था, बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ, जो है कुर्ता सेट है विद जैकेट है, दुपट्टा नहीं है। तो पहले आपको मैं इसका पैंट दिखा देती हूँ। आपको इस तरह से पैंट मिलेगा, आपको फ्रंट से इलास्टिक है, बैक से इलास्टिक है, तो काफ़ी अच्छा पैंट है, लेंथ भी बहुत अच्छा है, और इसका पैंट का पैंट में जो घेरा दिया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। थाई एरिया में मेरे को कोई इशू नहीं आएगा, और जो गोल्डन कलर में दिख रहा है आपको, गोल्डन ये फॉइल प्रिंट है ये पूरा गोल्डन, तो काफ़ी अच्छा है, कॉटन मटेरियल में है, सेम ब्रांड से है। तो आई थिंक ये मैंने 800 की 700 में परचेस किया था, तो काफ़ी अच्छा मीन्स प्राइस में आप मिल गया मुझे ये कुर्ता सेट। तो अब मैं इसका आपको अंदर का स्लीव दिखा देती हूँ, स्लीव मीन्स कुर्ता दिखा देती हूँ। जो कुर्ता आपको आएगा इस तरह से आएगा, स्ट्रैप में आएगा, ये देखिए स्ट्रैप में आएगा, नेक आपको राउंड मिल रहा है फ्रंट से भी बैक से भी, और इस तरह से आपको मिलेगा। ये देखिए आप इसको ऐसे मीन्स ऐसे भी पहन सकते हो, स्लीव ये स्लीव का जो पहनो, और ये पैंट इसका जैसे मीन्स जो जैसे वेयर करता है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वेयर कर सकता है। मैं तो जैकेट के साथ ही वेयर करूँगी इसको, क्योंकि मुझे इस तरह से स्लीव बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं इसके साथ जैकेट के साथ ही वेयर करना पसंद करूँगी। तो आपको इसमें भी साइड कट मिल रहा है, फॉइल प्रिंट मिल रहा है, जो आपको गोल्डन दिख रहा है, देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, ये गोल्डन फॉइल प्रिंट है पूरा, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन में है, और कलर मुझे बहुत अच्छा पसंद आया, इसमें एक ही कलर था। तो इसका जैकेट दिखा देती हूँ मैं आपको, व्हाइट कलर भी मिलेगा, व्हाइट मिलेगा प्लस आपको फ्लोरल का फ्लावर मिलेगा, सब पे फ्लोरल का डिज़ाइन है, इस पे व्हाइट कलर में आपको मिलेगा फ्लोरल का। ये देखिए कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा जैकेट का है इसके। तो इस तरह से है इसका कॉलर, देखिए आप ये कॉलर है, और ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, कौशल के ब्रांड का है, इसमें मेरा साइज एक्सेल है, सभी मेरा साइज एक्सेल था इसमें, सब सभी अलग अलग ब्रांड का अलग अलग साइज रहता है, तो लेते समय आप अपना साइज का चार्ट जरूर चेक कर लेना, उसके वहाँ पे आपको दिया रहता है आपको कौन से साइज आपको होगा, प्लस आप साइज चार्ट को प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पे आपको साइज दिखाई देगा पूरा, तो उसमें अलग अलग दिखता है मीन्स अलग अलग साइज आता है, जैसे कि आपको दिखाई देगा एल साइज रहेगा तो आपको 38 रहेगा, और एक्सेल रहेगा तो 42 रहेगा, ऐसे अलग अलग साइज सबका आता है। तो इस तरह से है देखिए जैकेट है, आपको साइड में कटआउट मिल रहा है, फैंस का तो कट है ही ऑलरेडी, तो काफ़ी अच्छा था, ये भी कॉटन मटेरियल में है। और इसमें एक बात और, आपको यहाँ पे दोनों बगल टक्स मिल रहा है, बैक साइड से फ्रंट साइड से आपको टक्स दिखा देती हूँ, ये देखिए शाइन कर रहा है यहाँ पे टक्स है, देखिए यहाँ पर भी है, बैक साइड से भी दोनों बगल टक्स मिल रहा है आपको, तो काफ़ी अच्छा इसका घेरा भी है अनारकली का, एक दिखा देती हूँ मैं आपको घेरा इसका, ये देखिए इसका घेरा इतना है, मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ इस तरह से, तो आपको समझ में आएगा। इसमें पाइपिंग भी किया गया है, रानी पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है इस तरह से, ये देखिए इसका घेरा मैं दिखा रही हूँ आपको, पकड़ पकड़ के दोनों बगल से फ्रंट साइड से बैक साइड से इस तरह से इतना घेरा है इसका, ये देखिए काफ़ी अच्छा घेरा है, रेयॉन फैब्रिक है, और इसका ब्रांड तो मैंने आपको बताया ही नहीं, एक मिनट आपको इसका ब्रांड बता देती हूँ, मीरांशी करके ब्रांड है, देखिए मीरांशी मीरांशी करके ब्रांड है, मैंने इसमें एल साइज से परचेस किया है, तो ओवरऑल कुर्ता बहुत अच्छा है, अकॉर्डिंग टू प्राइस भी बहुत अच्छा है, रेयॉन भी फैब्रिक है, तो इसके लिए आप
आराम से जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। क्यों, आगे आपको बताती हूँ उसके पैंट के डिटेल में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कलर भी काफ़ी अच्छा लगा, ट्राई ऑन भी मैंने किया, काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा था इसका, दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। अब मैं इसका पैंट बता देती हूँ पैंट में क्या है। यस, आप पैंट देख सकते हो, ये है, मैं इसका एल साइज़ ही बता देती हूँ आपको, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एल साइज़ है, ये देखिए एल साइज़ है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये एल साइज़ आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, ये स्मॉल साइज़ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये पैंट काफ़ी फिटिंग में था, ओवरऑल थाई एरिया में बिल्कुल फिटिंग था, ऊपर से नीचे तक बहुत ही फिटिंग था। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें आराम से उठ सकते हो, बैठ सकते हो, या फिर कहीं गए तो आए गए तो फिर आपको कहीं बैठना हो उठना हो तो इसमें काफ़ी दिक्कत वगैरह होगा भी, और साथ में ये फट भी सकता है, इतना फिटिंग में पैंट है। ओवरऑल अधार के लिए जो गाउन था वो काफ़ी अच्छा था, अगर उनको देना ही था तो इसके साथ लेगिंग्स दिए होते येलो कलर में तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि उसमें फैब्रिक इलास्टिक में होता है, काफ़ी अच्छा वैसे इलास्टिक फैब्रिक में होता है, तो आप आराम से वेयर करके पहन सकते थे और फिर आराम से बैठ सकते थे, उठ सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन इस फैब्रिक में नहीं, क्योंकि ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल बिल्कुल नहीं है, ओवरऑल ये फट भी सकता है बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी, तो इसमें पैंट में बहुत दिक्कत है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ओवरऑल कुर्ता बहुत अच्छा लगा मुझे, पसंद भी आया मुझे, लेकिन इसका पैंट बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि एकदम फिटिंग में है, फुल लेंथ पैंट है, और अब यहाँ पे साइड में कटआउट मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा कितना फिटिंग में पैंट है, आपका लेग भी देख सकते हो काफ़ी फिटिंग में है, ये भी फैब्रिक आपको रेयॉन में मिलेगा, तो इसमें यही प्रॉब्लम है पैंट में। आप अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसके इसमें अपने तरफ से आपको लेगिंग्स ऐड करना पड़ेगा, येलो कलर में है, अगर आप इसके कॉम्बिनेशन में पहनना चाहते हैं पिंक, रानी पिंक कलर भी ऐड कर सकते हैं, और रानी पिंक कलर का दुपट्टा भी ऐड कर सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखेगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या था, येलो येलो था सब, आप पिंक कलर भी, रानी पिंक कलर भी बहुत अच्छा दिखेगा, उल्टा और अच्छा दिखेगा ये क्या, और पॉप अप करके निकलेगा ये कलर, तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पैंट में थोड़ा सा दिक्कत है। और इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ, दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा दुपट्टा है, आपको टिश्यू फैब्रिक मिल रहा है, बहुत अच्छा दुपट्टा लगा, दुपट्टा शाइन भी कर रहा है, सिर्फ पैंट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया है। ये देखिए इस तरह से टिश्यू फैब्रिक मिल रहा है आपको, टिश्यू फैब्रिक मीन्स ऑर्गेन्जा भी बोलते हैं, टिश्यू फैब्रिक ही बोलते हैं आई थिंक, तो इस तरह से दिख रहा है आपको, पूरा लेस अटैच किया गया है, और यहाँ पे गोटा पट्टी का लेस अटैच किया गया है, और यहाँ पे टैसल मिल रहा है दोनों के कॉम्बिनेशन में, आप देख सकते हैं इस साइड भी पूरा लेस लगा हुआ है, ये देखिए पूरा लेस है यहाँ पे, तो आपको फैब्रिक दिख रहा होगा येलो कलर में कितना अच्छा शाइन दिख रहा है, और इसके ऊपर पिंक कलर का ये देखिए आई थिंक ये रबर प्रिंट है इसके ऊपर, है जो रबर प्रिंट किया हुआ है, रानी पिंक कलर में है और थोड़ा सा लाइट शेड में है, और ऊपर से डॉट दिख रहा है, रबर प्रिंट है, तो काफ़ी अच्छा लेंथ भी है, दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, टिश्यू फैब्रिक में शाइन कर रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन पैंट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ, कि 1050 के रेंज में, 1028 आई थिंक, 1028 में मैंने परचेस किया था, तो थोड़ा सा पैंट की वजह से मिस हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरफ।